अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी वो है मेडिटेरेनियन स्वीट डिश बकलावा। मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। फिलिंग के लिए जो मैं नट्स यूज़ करूंगी वो ये है, 1/2 कप पीकॉन्स, 1/2 कप वॉलनट, 1/2 कप पिस्तेशियोस। ये तीनों नट्स अनसाल्टेड हैं। अब मैं इनको फूड प्रोसेसर में डालूंगी और पीस लूंगी। थोड़े से पिस्ताशियो में गार्निश के लिए सेव करूंगी। अब मैं इन सब चीजों को पीस लूंगी। नट्स मैंने पीस लिए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इनको कैसे पीसा है। मैंने इनको बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर की शेप में भी नहीं किया। ये अब रेडी हैं फिलिंग के लिए। पिलो शीट जो मैं यहाँ यूज़ करूँगी वो स्टोर बॉट है। मैंने इनको ओपन करके ट्रे पे रख के इनको डैम्प टॉवल से कवर किया है ताकि ये ड्राई ना हो। मैंने बटर भी मेल्ट कर लिया और मैं सबसे पहले जिस पैन में ये बनाऊँगी बकलावा उसमें मैं बटर लगा लूँगी। सबसे पहले मैं ऐसे पैन में 4 शीट रखूंगी। फिलो शीट्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, ये बहुत जल्दी फट जाती है और ड्राई भी हो जाती है। अब मैं इसके ऊपर ऐसे बटर को ड्रिप करूंगी दूर दूर। अगर मुझे ब्रश की मदद से इसको स्प्रेड भी करना पड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा आराम से करूंगी ताकि शीट फटे नहीं। फोर की जब मैं लेयर्स लगाऊंगी, 4 शीट्स फिर बटर फिर 4 शीट, तो मैं 6 लेयर्स लगाऊंगी ऑल टुगेदर। लेयर्स लग चुकी हैं। अब मैं इस पे नट्स डालूंगी। यहाँ मैं बताना भूल गई थी, मैंने नट्स में सिनेमन भी ऐड की थी 1 टीस्पून। अब मैं इसे इसको फैला लूंगी बहुत आराम आराम से। नट्स मैंने इसके ऊपर फैला लिए हैं। अब मैं फिर दोबारा से फिलो शीट्स रखूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले इसकी लेयर्स लगाई थी दोबारा से वैसे ही लगाऊंगी। इसको 6 टाइम रिपीट करूंगी। अब मैं दोबारा से इस पे नट्स डालूंगी और उनको ऐसे फैला लूंगी। इसके बाद फिर से मैं 4 शीट्स रखूंगी, फिर बटर लगाऊंगी, फिर 4 शीट रखूंगी। ऐसे ही मैं 6 टाइम उनको रिपीट करूंगी। लास्ट 6 लेयर्स भी लग चुकी हैं। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूंगी 1 आवर के लिए ताकि ये सेट हो जाए, फिर मैं इसको कट करूंगी।
1 आवर हो चुका है, मैं बकलावा काटना स्टार्ट करती हूँ। ये सबसे हार्ड पार्ट है, इसको काटना इस स्टेज पे। ये मैं स्पून लेके उसको होल्ड करूँगी एक साइड से, फिर इसको नाइफ की मदद से काटूँगी। मैं बिल्कुल नाइफ को एंड तक लेके जाऊंगी ताकि जो मैंने फर्स्ट लेयर लगाई थी वो भी कट जाए। ऐसे जब ये कुक हो जाएगा तो मैं इसको निकालूंगी, तो ये इजीली बाहर आ जाएगा और इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। ऐसे ही मैं बाकी का भी काट लूंगी। मैं इसको स्क्वेयर्स में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो डायमंड शेप या किसी और शेप में भी काट सकते हैं। बकलावा कट चुका है, मैं इसको ओवन में रख दूंगी। मैंने 350 डिग्रीज पे ओवन को सेट कर लिया है, मैं 1 आवर के लिए इसको बेक करूंगी। अब मैं बकलावा के लिए सिरप रेडी करूंगी। मैंने पॉट में डाला है 1 कप वाटर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप शुगर, 1/2 कप हनी। हनी और शुगर की क्वांटिटी आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी 3 क्लोव्स, 3 टेबलस्पून बटर, 1.5 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। फिर मैं इसको बॉईल आने दूंगी। जब बॉईल आ जाएगा तो मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी और स्टोव को बंद कर लूंगी। बकलावा बेक हो चुका है, मैं इसको ओवन से निकाल लूँगी। ये देखें कितना अच्छा इस पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब मैं इस पर सिरप डालूँगी। अब मैं सिरप डालना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे मैं सब पे थोड़ी थोड़ी सी सिरप डालती जाऊँगी। शुगर सिरप डालने के बाद मैंने इसको 15 मिनट तक रेस्ट दिया है। अब मैं इसका एक पीस निकाल के आपको दिखाऊंगी। मैं इसको अच्छी तरह कट कर लेती हूँ ताकि बाकी के पीस ख़राब ना हो। ये वाला पीस निकालूंगी। ये देखिए कितना अच्छा पीस निकला है और इसकी कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। मैं इस पे पिस्ताशियो की गार्निश भी करूंगी। आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें।
बकलावा बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।